हेलो गाइस, वेलकम टू सर्किट इफेक्ट। तो चलिए फ्रेंड, आज का जो वीडियो हमारा 44 एम्पलीफायर जो कि मार्केट में आप लोग परचेज करते होंगे 600 700 800 रुपये के अंदर, और आप लोग सोचते होंगे कि हमारा जो है एक 8 इंची का स्पीकर यार कोई भी चीज़ बज जाए अच्छी तरीके से। तो मैं आज इसी का आईसी के बारे में, डाटा शीट के बारे में बात करेंगे और आपको दिखाएंगे क्यों अच्छी तरीके से अच्छी क्वालिटी साउंड ये आईसी आपको दे नहीं पाती है। तो चलिए फ्रेंड, एक छोटा सा इंट्रो के बाद इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं ये जो आईसी है इतने अच्छी आउटपुट दे नहीं पाती है। तो चलिए फ्रेंड, आज इस एम्पलीफायर के डाटा सेट के बारे में जानेंगे और इस एम्पलीफायर में बड़ी बड़ी स्पीकर क्यों नहीं बजा सकते हैं 8 इंची तक कभी। तो लगभग 8 इंची का स्पीकर इसमें चल जाती है अगर 20 वाट या उससे कम हो तो, लेकिन 8 इंच के स्पीकर 30 से 40 या 50 वाट के लगभग में आती है आजकल, जिसके कारण ये आईसी जो है आपका लोड नहीं ले पाती है। ये दोनों जो हमारा आईसी है 44 आईसी है, यही आईसी दोनों का वाटेज जो सेम है, एक हम थिएटर में यूज होता है और एक एम्पलीफायर में नॉर्मली यूज किया जाता है। फ्रेंड इसका डायग्राम सेम कुछ इस तरीके से है, लेकिन ये डायग्राम आपका रियल नहीं होता है फ्रेंड, ये आपका प्रैक्टिकली नॉर्मली बनाया जाता है, लेकिन पिन आउट बाकी सब सही रहता है, बाकी कुछ कुछ चीज़ गलत भी होता है। फ्रेंड यहाँ पर देखिए 10 और 12 नंबर जो है स्पीकर का कनेक्शन किया हुआ है, इनपुट जो है यहाँ पे फ्रेंड एक नंबर वाले तार में दिया है, तो ये सारा चीज़ एक्यूरेट है, लेकिन यहाँ पे और भी सामान लगेगी जिस जो चीज़ इसमें लगी नहीं है। फ्रेंड तो चलिए फ्रेंड, आगे वीडियो में आपको दिखाते हैं और इसके डाटा शीट से आपको पूरा तरीके से क्लियर कर देते हैं और सारा चीज़ उसके साथ आपका क्लियर हो जाएगा फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, पहले डाटा शीट के बारे में जानते हैं, उसके बाद ही यहाँ पे जो आईसी का डायग्राम और नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा। फिलहाल आप डाटा शीट के बारे में आज इस वीडियो में जान लीजिए। तो इस आईसी का आज फीचर के बारे में जानेंगे, इस आईसी का फीचर क्या है और कैपेसिटी क्या है जो हमारा एम्पलीफायर स्पीकर को अच्छी तरीके से बजा नहीं पाती है। तो लगभग लोग 8 इंच का स्पीकर बजाता ही बजाता है और 10 इंच का बजाता ही बजाता है, लेकिन इस एम्पलीफायर से पॉसिबल नहीं है कि उस स्पीकर को अच्छी तरीके से बजा पाए। क्यों, वो सारी चीज़ इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो इस आईसी का फीचर के बारे में पहले जान लेते हैं। तो इस आईसी का जो फीचर है, ब्लीड इन टू चैनल डबल इनबिल्डिंग यूजिंग इन स्टूडियो एंड ब्रिज मोड। इस आईसी को लगभग लोग स्टीरियो एंड ब्रिज मोड में ही यूज करते हैं, तो हमेशा जो चलो चल एम्पलीफायर आते हैं वो ब्रिज मोड में आता है। तो एम्पलीफायर के जो सिस्टम है यहाँ पे दिया हुआ डबल चैनल इस आईसी में यूज करने से 6 वाट करके मिलेगा, तो यहाँ पे एक स्पीकर 6 वाट का, एक स्पीकर 6 वाट का यहाँ पे बजा पाएंगे। तो लोग क्या करते हैं कि 6 वाट का स्पीकर के जगह में 10 वाट 15 वाट का स्पीकर लगा देते हैं। आईसी तो है कम वाट का, स्पीकर ज़्यादा वाट का हो जा रही, तो आपका जो साउंड है वो अच्छी तरीके से नहीं मिल पाएगी। फ्रेंड वही चीज़ यहाँ पे भी हो रही है, ब्रिज मोड में आपको 19 वाट मिल रही है। अब स्पीकर का आजकल का स्पीकर जो है 30 से 40 वाट या 50 वाट का स्पीकर मार्केट में आ रही है। फ्रेंड पहले छोटा कोयल आता था तो 19 वाट 20 वाट के अंदर में वो अच्छी तरीके से 8 इंची 10 इंची स्पीकर को ये आईसी आपको बजा के दे पाती थी, लेकिन आजकल जो स्पीकर का मैग्नेट बड़ा और कोयल भी थोड़ा सा बड़ा हो जाती है, जिसमें इस आईसी के लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो इस आईसी का जो रियल वाटेज है 19 वाट, लगभग लोग 20 वाट भी बोल सकते हैं आप लोग, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रियल वाटेज जो है इसका 19 वाट है। फ्रेंड मैक्सिमम नंबर ऑफ यहाँ पर एक्सटर्नल पार्ट्स रिकमेंड यहाँ पर किया हुआ है, ये सारा चीज़ इसके अंदर जो है इनबिल्ड है, और ये सारी चीज़ आप पढ़ लीजिएगा, मुझे इसके बारे में नहीं पता, लेकिन जितना भी है सारी चीज़ इसके बारे में लगभग कुछ कुछ चीज़ जो बताऊंगा जो कि आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए आगे नेक्स्ट में दिखाते हैं आपको, ये जो हमारा 44 आईसी है जो कि एम्पलीफायर के अंदर में लगी रहती है, इस आईसी में पिन आउट जो है 14 पिन आउट है। इस आईसी का जो डिमेंशन है और साइज है जो दिया हुआ है, और इसके अंदर भी जो भी साइज है 1.4 सेंटीमीटर या क्या लिखा हुआ इसके अंदर जो भी है, ये इसका साइज है फ्रेंड, तो साइज को आप अपने देख लीजिएगा। और यहाँ पे जो है सोनियो आईसी का एक ब्रांड है, तो सबसे हाई क्वालिटी में जो आता है आईसी 44 का वो सोनियो कंपनी का ही ब्रांड का आता है। नॉर्मल मारा चाइना का बहुत सारा आ जाता है, लेकिन सोनियो का ही
जो आईसी का क्वालिटी है वो बहुत ही बेटर होता है फ्रेंड। तो इस आईसी में 1 2 3 4 5 6 करके यहाँ पर 14 पिन है फ्रेंड। तो इस आईसी में 10 और 12 नंबर पिन में ही स्पीकर का आउट होता है। अगर 10 और 12 में एक ग्राउंड और एक 10 नंबर और एक ग्राउंड और एक 12 नंबर, तो ये हो जाएगा आपका 6 वाट। और इनपुट में 2 पिन दिखाएगा इसका डायग्राम में, तो ये आपका डबल चैनल 44 से बन जाएगा, वो भी मैं आपको बना के दिखाऊंगा आने वाले दिनों में। और ये 19 वाट लगभग ब्रिज मोड ही लगभग लोग यूज करते हैं, तो ब्रिज मोड ही काफ़ी अच्छा रहता है एक एम्पलीफायर के लिए। तो चलिए फ्रेंड अभी नेक्स्ट डायग्राम को समझेंगे। ये हमारा यहाँ पे जो है फ्रेंड, इसमें भी दिया है कुछ कुछ फीचर दिया हुआ है जो कि इस आईसी के लिए उतना ही होना चाहिए। तो VCC करके मैक्सिमम यहाँ पे 25 वोल्ट या ऑपरेटिंग वोल्टेज जो 18 वोल्ट तक भी अगर चल जाती है तो आपका आईसी जो है ख़राब नहीं होगी जल्दी से। और यहाँ पे सिक्योर वोल्टेज 50 वोल्ट लिखा हुआ है, इसके बारे में तो मुझे नहीं पता, हो सकता है कि 50 वोल्ट भी जाए तो जल्दी से ये आईसी बर्दाश्त कर ले, ख़राब ना हो। तो यहाँ पे मैक्सिमम 18-25 वोल्ट जाए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा फ्रेंड। तो यहाँ पे ये आईसी जो ये अलग चीज़ है फ्रेंड। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग टेम्परेचर जो है फ्रेंड -20 डिग्री टू 75 डिग्री सेल्सियस तक। और यहाँ स्टोरेज मतलब कितना स्टोर, अब इसके बारे में तो मुझे नहीं पता। स्टोर टेम्परेचर मतलब -40 टू 150 डिग्री सेल्सियस तक भी ये शायद वर्क कर सके, लेकिन ये जो है रियल है। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज जो है आपको इसके अनुसार नहीं देना है, सप्लाई वोल्टेज इसके अनुसार देना, 13 से 15 वोल्ट, 13 वोल्ट तक यहाँ पे वोल्टेज देना है। यहाँ पे जो लोड रेजिस्टेंस है वो आपका जो है स्टूडियो मोड में बजाएंगे तो फ्रेंड 2 से लेकर 8 ओम तक का स्पीकर इसमें बजा पाएंगे। ब्रिज मोड में बजाएंगे तो फ्रेंड आपका 4 टू 8 ओम तक का स्पीकर यहाँ पे यूज कर पाएंगे, तभी जाके आपको जो है आईसी मतलब आवाज़ जो अच्छी तरीके से मिल पाएगी फ्रेंड। आपने लगभग जो है यहाँ पे स्टूडियो मोड का लोड आपने जान लिया 2 ओम से लेकर 8 ओम तक, और यहाँ पे ब्रिज मोड में 4 ओम से लेकर 8 ओम तक यहाँ पे स्पीकर का लोडनेस जो है लोड आप जो दे सकते हैं उसके अनुसार ही। और यहाँ पे जो है 19 वाट और 6 वाट का जो लोड है यहाँ पे लेगा, इसमें 6 वाट और इसमें 19 वाट का आपका लोड लेगा फ्रेंड। तो चलिए नेक्स्ट डायग्राम के नेक्स्ट जो PDF है डाटा शीट उसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे एक ब्लॉक डायग्राम दिया हुआ फ्रेंड जो कि आईसी के अंदर कितना सारा चीज़ लगे रहते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ट्रांजिस्टर लगा रहता है, एक ड्राइवर का काम करता है, यहाँ पे इनपुट का काम करता है, एक इनपुट का काम करता है, और एक ट्रांजिस्टर जो है आउटपुट का काम करता है, तो जिसके कारण यहाँ पे वाटेज जो कम हो जाती है। तो यहाँ पे हम लोग जो है इसी आईसी के अंदर सारा चीज़ लगा रहता है और आईसी को डायरेक्टली इंस्टॉल करने से हमारा जो है एम्पलीफायर चालू हो जाता है। यहाँ पे इनपुट 2 नंबर और 6 नंबर में इनपुट यहाँ पे किया गया है फ्रेंड। और यहाँ पे प्रोग्राम ग्राउंड है ये, और ऑडियो मीटिंग के लिए 4 नंबर का दिया हुआ, तो 4 नंबर लगभग ऐसे ही ओपन रहता है। तो किसी किसी आईसी में देखे होंगे कि 1-2 वायर ओपन रहता है, तो ये मीटिंग के लिए है, तो हम लोग मीट कभी नहीं करते हैं, उसको ओपन ही रखते हैं। तो ये सब चीज़ें और DC का पावर सप्लाई का वोल्टेज यहाँ पे है, तो ये पावर सप्लाई वोल्टेज ये दोनों आईसी को दे पाती है फ्रेंड। अब यहाँ से आउटपुट सेक्शन के लिए जो दिया हुआ पिन आउट यहाँ पर 10 नंबर और 12 नंबर दिया हुआ, और ये 10 नंबर आउटपुट हो गया और ये ग्राउंड से होके 2 स्पीकर यहाँ पर बजेगी फ्रेंड। तो ये आउटपुट का 1 पॉइंट मिला और 1 माइनस पॉइंट मिलेगा, जैसे कि बैटरी का माइनस पॉइंट भी ले सकते हैं, जैसे कि ये ग्राउंड हो गया, यहाँ पे ग्राउंड लिखा हुआ फ्रेंड, ये ग्राउंड और ये पोला 10 नंबर का आउटपुट पिन, ये एक स्पीकर का एक यहाँ पे जुड़ेगा, एक यहाँ पे जुड़िएगा और एक यहाँ पे, तब जाके एक स्पीकर बजेगा और एक यहाँ जुड़िएगा तो एक जाके एक यहाँ तो स्पीकर बजेगा। अब यहाँ पे लगभग लोग कुछ जो करते हैं फ्रेंड, ये दोनों को स्पीकर वायर ले लेते हैं, एक स्पीकर यहाँ जोड़ते हैं, एक स्पीकर यहाँ 10 और 12 में। ऑडियो इनपुट जो है आपका 2 नंबर में दिया है, तो यहाँ पे ऑडियो इनपुट के लिए 1 पिन को शॉर्टेज किया जाता है ग्राउंड के साथ और 1 पिन में ऑडियो इनपुट किया जाता है। तो इसका जो रियल डायग्राम होता है ना फ्रेंड मॉडिफिकेशन का, वो डायग्राम आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे। फिलहाल जो यहाँ पे
आउटपुट जो है ये कुछ इस तरीके से, और एक ब्लॉक डायग्राम है इसके अंदर तीन ठो तीन तीन छः ट्रांजिस्टर लगी रहती हैं। अब एक सिंपल सा डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ चले चले आईसी का, इसमें थोड़ा सा समझना में मुश्किल होगा क्या कि बहुत सारा चीज़ यहाँ पे लगी हुई है, इस चीज़ को नहीं समझाएंगे, जो काम का चीज़ है उसी के बारे में बताएंगे फ्रेंड। इस चीज़ को पार करते हैं, इसमें भी वही दिया हुआ है, इसको कर दिया है ब्रिज मोड। अब ब्रिज मोड के थ्रू देखिए यहाँ पे ब्रिज मोड में सिक्स नंबर पिन को ग्राउंड के साथ शॉर्ट किया है, और ये ग्राउंड के साथ शॉर्ट करके यहाँ पे डायरेक्टली ये कर दिया सिक्स नंबर पिन को, ये देखिए सिक्स नंबर पिन, ये ग्राउंड, ये जो निशान होता है ना फ्रेंड ये ग्राउंड का होता है, तो इस ग्राउंड के साथ शॉर्ट किया, ये भी ग्राउंड है, और ये ग्राउंड से होते हुए ये सारा चीज़ का यहाँ पर काम हो रहा है फ्रेंड। तो इस डायग्राम को भी समझाने से आपको कोई फ़ायदा नहीं है, ये ब्रिज मोड है तो ये डाटा सीट है फ्रेंड, तो रियल डायग्राम को भी समझाएंगे। और ये डाटा सीट में से लगभग ऐसे ही दिया हुआ है, तो इन्हीं के कारण से फ्रेंड आपका जो है एम्पलीफायर, आपका जो चौल चल से एम्पलीफायर जो है आपका लोड ले नहीं पाता है, क्योंकि लोडनेस जो है लोड लेने की क्षमता जो 19 वाट 20 वाट है, और आप जो मार्केट में ख़रीदते हैं स्पीकर वो 50 वाट या उसी के लगभग में होता है, 20-30 वाट से, मतलब 20 वाट से ऊपर होता है, जिसके कारण आपका जो है 8 इंच स्पीकर को रियल तरीके से बजाना पॉसिबल नहीं होता है फ्रेंड। तो हम भी पहले सोचते थे कि चौड़े चौड़े से ऐसे से क्यों नहीं बज पाता अच्छी तरीके से, तो यही एक रीज़न है फ्रेंड। तो आपको बजाना है अच्छी तरीके से 8 इंच स्पीकर को, तो उसके लिए भी वीडियो मैं बना के दूँगा, तो उसके लिए हमारे चैनल को करना होगा सब्सक्राइब, और हमारे वीडियो को करना होगा लाइक, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक करना होगा शेयर, तभी जाके मैं इस वीडियो को बनाऊंगा और आपको दिखाऊंगा 8 इंच के लिए कौन सा बेस्ट होगा एम्पलीफायर। थोड़ा सा कॉस्ट पड़ेगा फ्रेंड, लेकिन आपके लिए पूरा मस्त और बेस्ट साउंड मिलने वाली है फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड आज का वीडियो यहीं तक, तब तक ले बाय, और फिर से नया वीडियो और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलेंगे, और इसका डायग्राम को लेकर मिलेंगे, जिस डायग्राम में सारा क्लियर करेंगे और आपको वीडियो बना के दिखाएंगे फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड तब तक के लिए बाय।